कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन साथ साथ भारत के गौरव को भी बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहे। आपके व्यवहार के कारण, आपके आचरण के कारण हमेशा भारत गौरव अनुभव करता रहा है। भारत में अगर अधिक बारिश भी हो जाए तो दुबई में बैठा हुआ मेरा हिंदुस्तानी छाता खोल देता है। भारत में अगर कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो दुबई में बैठा हुआ मेरा देशवासी चैन से सो नहीं सकता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, दुनिया चौंक गई थी, कुछ लोग गुस्से में आए थे और रातों रात भारत पर सैंक्शन लगा दिए गए थे, भारत को आर्थिक मुसीबतों में धकेल दिया गया था और तब वाजपेयी जी ने विश्व भर में फैले हुए भारतवासियों को आह्वान किया था देश की मदद करने के लिए। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि वाजपेयी जी के उस आह्वान पर हिंदुस्तान की तिजोरी भरने में गल्फ कंट्रीज में जो मजदूरी का काम करते थे उन मेरे भारतवासियों का सबसे बड़ा योगदान था। और इस अर्थ में यहां बसा हुआ हर भारतवासी एक प्रकार से हिंदुस्तान के हर कोने से जुड़ा हुआ है। पिछली बार जब देश लोकसभा के चुनाव के लिए व्यस्त था, चुनाव नतीजे आ रहे थे, हिंदुस्तान ही नहीं पूरा दुबई नाच रहा था। ये प्यार भारत माता के कल्याण के लिए मां भारती फिर से एक बार
सामर्थ्यवान बने, सशक्त बने, संपन्न बने, समृद्ध बने, ये सपना संजो करके दिन रात एक करने वाले आप लोग मेरे सामने बैठे हैं। भाइयों बहनों, आज यहां तो हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए मेरे भाई बहन मेरे सामने हैं, और दुबई वो सिर्फ लघु भारत ही रहा ऐसा नहीं है, अब तो दुबई एक लघु विश्व भी बन गया है। दुनिया के सभी देशों के लोग कम अधिक मात्रा में दुबई में रह रहे हैं, ठंडे से ठंडे प्रदेश के लोग भी ये 40-45 डिग्री तापमान में रहना पसंद करते हैं। क्या ताकत दिखाई होगी इस देश ने, क्या मैग्नेटिक पावर पैदा किया होगा विकास के माध्यम से कि पूरा विश्व यहां आकर्षित हो जाता है। हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए सभी देशवासियों ने अभी दो दिन पूर्व 15 अगस्त भारत की आजादी का पर्व मनाया। मैं भी आप सबको आजादी के पावन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। यहां केरल से आया हुआ भी समुदाय बहुत बड़ी मात्रा में है। मैं केरल का उल्लेख सविशेष रूप से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज केरल का नव वर्ष है। मलयाली, सहोदरक, एंटे हृदयम, निरन्या, नव वलसरा, आशम सफल, नमस्कारम। हर हफ्ते हिंदुस्तान से 700 से भी ज्यादा फ्लाइट यहां आती है। दुनिया में किसी एक देश के साथ इतनी बड़ी मात्रा में हवाई आवागमन अगर कहीं है तो इस इलाके से। हर हफ्ते 700 से भी अधिक फ्लाइट आती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहां आने में 34 साल लग गए।
कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे काम हैं जो पूर्व के लोग मेरे लिए बाकी छोड़ करके चले गए। और इसलिए बहुत सारे बाकी रहे अच्छे काम करने का मुझे भाग्य मिला। और उस अच्छे कामों में से एक महत्वपूर्ण अच्छा काम मेरा अबू धाबी आना, मेरा दुबई आना। जिस प्रकार से ये मेरी पहली मुलाकात है, इसके पहले कभी मैं इस धरती पर, इस भूभाग पर नहीं आया, और 34 साल के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कोई आए, तो किसी को भी नाराजगी व्यक्त करने का हक बनता है। हक बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? लेकिन अबू धाबी में हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने और दुबई में हिज हाइनेस अल मक्तूम जी ने नाराजगी नहीं दिखाई, इतने प्यार की वर्षा की, इतने प्यार की वर्षा की। मैं उनके इस प्यार को कभी भूल नहीं पाऊंगा। जो स्वागत किया, जो सम्मान किया हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस अपने सभी पांचों भाइयों के साथ, एयरपोर्ट पर लेने के लिए आए, देशवासियों, ये प्यार, ये सम्मान किसी व्यक्ति को नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। ये भारत की बदली हुई तस्वीर का सम्मान है। भारत जिस प्रकार से दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, उस बदले हुए हालात का सम्मान है। मैं हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस का, अमीरात का, दुबई के रूलर्स का हृदयपूर्वक बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक तरफ संप्रदाय के नाम पर
आतंकवाद के खेल खेले जाते हुए निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता। पूर्णतया चिंता का माहौल हो ऐसे समय अबू धाबी के हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का निर्णय पता है ये निर्णय कितना बड़ा है, ये सौगात कितनी बड़ी है। आप मुझे बताइए, सभी देशवासियों ने उनका विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं आज सबसे आग्रह करता हूं, तालियों की गूंज से क्राउन प्रिंस का अभिनंदन कीजिए। क्राउन प्रिंस को स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए। उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, दो दिन की मेरी यात्रा में जिस प्रकार का विश्वास का माहौल बना, आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार आपकी भाषा क्या है, आप कितने आर्टिकुलेट हैं, आप डिप्लोमेटिक रिलेशन में कितने बढ़िया ढंग से मेलजोल करते हैं, उससे भी ज्यादा महत्व होता है एक दूसरे पर भरोसे का। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये भरोसा, ये विश्वास एक बहुत बड़ी पूंजी होता है। और आज मैं चंद घंटों की मेरी यहां की मुलाकात के बाद कह सकता हूं कि भारत अबू धाबी, दुबई, अमीरात जो विश्वास का सेतु बना है वो अभूतपूर्व है और आने वाली पीढ़ियों तक काम आए ऐसा फाउंडेशन तैयार हुआ। आज मुझे खुशी हुई कि जब आज भारत और अमीरात के बीच
जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, आपको भी खुशी होगी जान करके क्राउन प्रिंस ने हिंदुस्तान में 4.5 लाख करोड़ रुपया का निवेश करने का संकल्प लिया। अगर आप पर किसी का भरोसा ना हो तो कोई 10 रुपया भी आप पर लगाने के लिए तैयार होगा क्या? ये भारत की साख बनी है। आज भारत का बदला हुआ रूप विश्व के सामने अपनी स्वीकृति बनाता आगे चल रहा है। अमीरात और भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ दो टूक शब्दों में बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। आतंकवाद के खिलाफ एकता का स्वर आज इस धरती से उठा है। मैं इसे बहुत अहम मानता हूं। और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। कल मन को इशारा का भी आतंकवाद में लिप्त लोगों को सजा होनी चाहिए, ये स्पष्ट शब्दों में संकेत यहां से निकला है। मैं आज यहां के शासकों का इसलिए भी आभारी हूं कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जब अपने 70 साल मनाने जा रहा है तो यहां से कहा गया है और भारत की एक बात का खुला समर्थन किया गया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप मिलने की। मैं आभारी हूं उनका। इससे भी आगे एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात पर आज भारत की लंबे अरसे से पोजीशन है, उसका आज हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने खुले आम समर्थन घोषित किया। भाइयों बहनों, कई वर्षों से यूनाइटेड नेशंस में एक रिजोल्यूशन लटका पड़ा है। आपको भी बड़ी हैरानी होगी,
और दो पांच साल से नहीं, कई वर्षों से लटका पड़ा है। क्या यूनाइटेड नेशन, जो कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से पीड़ित मानव समुदाय को मरहम लगाने के लिए आगे मानव जात को ऐसे संकट झेलने की नौबत न आए, इसके लिए प्रिकॉशन लेने के लिए व्यवस्थाएं विकसित करने के लिए 70 साल पहले यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ। लेकिन वह यूनाइटेड नेशंस आतंकवाद की अभी तक परिभाषा नहीं कर पाया है। आतंकवाद किसको कहे, आतंकवादी किसको कहे, आतंकवाद को समर्थन करने वाले कौन माने जाए, किस देश को आतंकवाद का समर्थक माना जाए, किस देश को आतंकवाद का समर्थक न माना जाए। और इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इसका निर्णय करने का प्रस्ताव लंबे अरसे से यूनाइटेड नेशन में लंबित पड़ा हुआ है। भारत ने एक पोजीशन ली है सालों से कि ये प्रस्ताव पर चर्चा हो जाए, निर्णय होना चाहिए, लेकिन टाला जा रहा था। आज मुझे खुशी इस बात की है कि हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने भारत की स्थिति का समर्थन किया है, भारत की पोजीशन का समर्थन किया है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संबंध में आपने स्पष्ट संकेत दे दिए। न सिर्फ 4.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश की बात नहीं है, ये एक निश्चित दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का एक प्रकार का संकेत इस जॉइंट स्टेटमेंट में। मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। भाइयों बहनों, आप तो सालों से बाहर है, आज भारत का नाम सुनते ही आपके सामने खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में चमक आती है कि नहीं आती है? आपका माथा गर्व से ऊंचा होता है कि नहीं होता है? आपका सीना तन जाता है कि नहीं तन जाता है? एक गर्व महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? भाइयों बहनों, आज दुनिया का हिंदुस्तान की तरफ देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका है और उसका एक कारण, क्या कारण है, क्या कारण है ये बदलाव आया है? मोदी के कारण नहीं, ये जो बदलाव आया है 125 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति के कारण। करोड़ देशवासियों ने 2014 मई महीने में 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी। आज दुनिया का कोई भी महापुरुष, दुनिया का कोई भी राजनेता मोदी से जब हाथ मिलाता है ना, तब उसे
मोदी नहीं दिखता है, उसे 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं। दुनिया की तेज गति से बढ़ रही इकोनॉमी दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, पिछले दिनों IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, मूडी हो, विश्व की जितनी भी आर्थिक पैमाने पर रेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, सब किसी ने एक स्वर से कहा है कि आज दुनिया में, बड़े देशों में सबसे तेज गति से अगर आर्थिक सुधार हो रहा है, तेज गति से ग्रोथ हो रहा है, तो उस देश का नाम है, उस देश का नाम है। मुझे बताइए, सीना तन जाएगा नहीं तन जाएगा, माथा ऊंचा होगा कि नहीं होगा? एक साल के भीतर भीतर ये बदलाव आया है। भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया कुछ महीने पहले इस अभियान का प्रारंभ किया। दुनिया को मैं कह रहा हूं, मेक इन इंडिया। आइए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो संभावनाओं से भरा हुआ है, अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। ये एक ऐसा भाग्यशाली देश है जिसके पास 65% जनसंख्या, 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है। भारत एक नौजवान देश है। आज जहां जवानी लबालब भरी पड़ी है, और विश्व वहां आए, हमारे युवकों की शक्ति जुटाए, उत्पादन करे, दुनिया के बाजार में जाकर के बेचे। और आज ये कुछ ही महीनों का मामला है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI में 48% वृद्धि हुई है, 48%। भाइयों बहनों, विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माध्यम हो, देश की युवा शक्ति में स्किल डेवलपमेंट का अभियान हो, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने के लिए दिन रात पुरुषार्थ चलता हो, तो विश्व का आना बहुत स्वाभाविक है। मेरे भाइयों बहनों, बहुत स्वाभाविक। भाइयों बहनों, आज दुनिया जिस आतंकवाद के नाम सुनते ही कांप उठती है, एक नफरत पैदा होती है, मैं दुनिया को कहता हूं, हम हिंदुस्तान के लोग 40-40 साल से ये आतंकवाद के शिकार हुए हैं। हमारे निर्दोष लोग
आतंकवादियों की गोलियों से भून दिए गए हैं, मौत के घाट उतार दिए गए हैं। और जब कभी मैं विश्व के लोगों के साथ, आज से 25-30 साल पहले कभी मुझे बात करने का अवसर मिलता था, तो वे आतंकवाद समझने की उनकी क्षमता ही नहीं थी। कभी मैं आतंकवाद की बात करता था तो वो मुझे कहते थे कि ये तो आपका पुलिसिंग का प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। अब उनको समझ आ गया है कि आतंकवाद का कितना भयंकर रूप होता है। आतंकवाद को कोई सीमाएं नहीं होती हैं, वो पता नहीं कब किस सीमा पे जाके आ धमकेगा। आज अभी मैं यहां पहुंच रहा था, मैंने सुना बैंकों के अंदर आज एक बम धमाका हुआ, निर्दोष लोगों को मार दिया गया। भारत तो लगातार इन हरकतों को झेलता रहा और विश्व समुदाय जब तक आतंकवाद की मानसिकता वाले देशों को, आतंकवाद को उसको समर्थन करने वालों को एक और मानवता में विश्वास करने वाले दूसरी ओर, मानवतावाद में विश्वास करने वाले दुनिया के देश एक होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का वक्त आ चुका है। गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो, निर्णय करो। भारत को तो आज भी आए दिन इन नापाक हरकतों का शिकार होना पड़ता है। हम समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में लगातार कोशिश कर रहे हैं। यहां बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत की आजादी के पहले से नागालैंड में अतिवाद, इंसर्जेंसी, इस समस्या से नागालैंड जूझता रहा और उसके कारण भारत का पूरा ये पूर्वी हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट, आए दिन हिंसा का शिकार होता था। और धीरे धीरे वो बीमारी इतनी फैलती गई कि अन्य राज्यों में भी अलग अलग नाम से अलग अलग अतिवादी, आतंकवादी गुट बनते चले गए। आजादी के भी पहले से चल रहा था। आज मैं बहुत संतोष के साथ मेरे देशवासियों आपको कहना चाहता हूं कि अभी एक महीने पहले नागालैंड के इन गुटों के साथ, जो कभी हिंसा में विश्वास करते थे, जो शस्त्रों को लेकर के गतिविधि चलाते थे, उनसे जो बातचीत चल रही थी वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ी, निर्णय हुआ, मुख्य धारा में आने का निर्णय हुआ। 60-70 साल के बाद ये संभव हुआ है। मैं नागालैंड की ये घटना का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि हिंसा के राह पर चले हुए
भारत के नौजवानों को और विश्व के नौजवानों को मैं एक उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं, समस्या कितनी ही गंभीर क्यों न हो, आखिर तो बातचीत से ही रास्ता निकलता है। कोई 10 साल लड़ाई लड़ने के बाद बात करे, कोई 20 साल लड़ाई लड़ने के बाद करे, कोई 40 साल लड़ाई लड़ने के बाद बात करे, लेकिन आखिर में तो बात ही होती है और टेबल पर ही फैसले होते हैं। और इसलिए विश्व भर से इस गलत रास्ते पर चले चल पड़े लोग, बम बंदूक के भरोसे अपने सपनों को साकार करने का रास्ते पर चले हुए लोग, ये रास्ता कभी आपका भला नहीं करेगा, ये रास्ता कभी किसी और का भला नहीं करेगा, ये रास्ता कभी मानवता का भला नहीं करेगा, ये रास्ता इतिहास को बेदाग नहीं रहने देगा, ये पूरे इतिहास को कलंकित कर देगा, ये पूरे इतिहास को दागदार बना देगा। और इसलिए हिंसा का मार्ग छोड़ करके मुख्य धारा में जाना ये आज समय की मांग है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बांग्लादेश ১৯৪৭ में भारत का विभाजन हुआ, 1947, तब से पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान थे। उस समय पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बना, भारत और उनके बीच सीमा का विवाद चल रहा था, तनाव का कारण बना हुआ था, आशंकाओं का कारण बना हुआ था, घुसपैठ के लिए एक सुविधाजनक स्थिति बनी हुई थी। आप सबके आशीर्वाद से हिंदुस्तान ने बीड़ा उठाया, सबने मिलकर के बीड़ा उठाया, इस समस्या का समाधान करना है, बातचीत से करना है। मैं पिछले सितंबर में बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख हसीना जी से मिला था और मैंने उनको वादा किया था कि मुझ पे भरोसा कीजिए और मुझे थोड़ा समय दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास भरोसा रखने के सिवाय है भी क्या। लेकिन आज मैं मेरे प्यारे देशवासियों आपके सामने सर झुका करके कहना चाहता हूं कि आजादी से लटका हुआ ये सवाल 1 अगस्त को समाप्त कर दिया गया। सीमा निर्धारित हो गई, जिनको बांग्लादेश जाना था बांग्लादेश चले गए, जिनको भारत आना था भारत आ गए। हम लोग तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे, भारत के नागरिक के नाते गौरवगान करने लगे थे। लेकिन ये हमारे भाई बहन अभी 1 अगस्त 2015 को भारत की भूमि पर आजादी का श्वास लेने का उन्हें सौभाग्य मिला। भारत की संसद में सर्वसम्मति से सभी राजनीतिक दलों ने साथ दिया और सर्वसम्मति से फैसला हुआ
बातचीत के माध्यम से फैसला हुआ। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है मेरे भाइयों बहनों। और मैं औरों को भी हमेशा कहता हूं, अड़ोस पड़ोस के देशों को भी कहता रहता हूं, जैसे हिंसा के रास्ते पर गए हुए लोगों को भी कभी न कभार बातचीत के रास्ते पर आना पड़ता है, वैसे अड़ोस पड़ोस में भी समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आज भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, मानवता के अधिष्ठान पर कर रहा है। जब नेपाल में भूकंप आया, चंद घंटों में, ऐसा नहीं कि भाई जरा पूछो तो क्या हुआ है, जरा जानकारी लो क्या हुआ है, ऐसा करो अफसरों का डेलीगेशन भेजो देखो जरा क्या मुसीबत आई है, ऐसा करो भाई कोई अपने रिश्तेदार वहां तो पूछो भाई हुआ क्या है, ऐसा इंतजार नहीं किया। आज दिल्ली में ऐसी सरकार है जो हर पल नजर आती है, हर जगह पे नजर आती है। और चंद घंटों में भारत से जो भी हो सकता था ये मानवता का काम था, नेपाल के चरणों में जाकर के हमारे लोग बैठ गए और उनकी सेवा में लग गए और आज भी सेवा चालू है। नेपाल हमारा पड़ोसी है, वो दुखी हो और हम सुखी हो ये कभी संभव नहीं होता। उसके सुख में भी हमारा सुख समा हुआ है। श्रीलंका, आपको हैरानी होगी, जब मैं नेपाल गया प्रधानमंत्री बनने के बाद, नेपाल जाना है तो 70 मिनट नहीं लगती है, दिल्ली से नेपाल जाना हो 70 मिनट नहीं लगती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को नेपाल पहुंचने में 17 साल लग गए। फिर से हम गए, संबंधों को फिर से जोड़ा, अपनापन। आज नेपाल भारत पे भरोसा कर रहा है, भारत नेपाल का सुख दुख का साथी बना है। श्रीलंका, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उसके बाद कोई प्रधानमंत्री की स्टैंड अलोन विजिट नहीं हुई थी, कितने साल भी हमारा पड़ोसी है। आए दिन हमारे तमिलनाडु केरल के मछुआरे और उनके मछुआरे आपस में भिड़ जाते, लेकिन उधर कोई जाता नहीं था, हम गए। इतना ही नहीं, जाफना जहां 20-20 साल तक बम और बंदूक का ही कारोबार चलता था, उस जाफना में जाकर के उन दुखियारों के आंसू पोंछने का काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। एक प्रधानमंत्री के रूप में जाफना जाने का सौभाग्य मुझे मिला। हमारे पड़ोस में मालदीव, आइलैंड पर बसा हुआ देश, टूरिज्म की दृष्टि से काफी आगे बढ़ा है। अचानक एक दिन उनके यहां
पानी के सारे संयंत्र खत्म हो खराब हो गए, पूरे देश के पास पीने का पानी नहीं था। आप कल्पना कर सकते हो, कोई देश के पास पीने का पानी न हो कितना बड़ा गहरा संकट आया। मालदीव से हमें मैसेज आया कि ऐसी मुसीबत आई है, एक पल का इंतजार नहीं किया। भाइयों बहनों, हवाई जहाज से पीने का पानी पहुंचाया मालदीव में, दूसरे दिन स्टीमर से पानी पहुंचाना शुरू कर दिया, और जब तक उनके वो मशीन चालू नहीं हुए, पानी की व्यवस्था दोबारा पुनर्जीवित नहीं हुई, हमने मालदीव को प्यासा नहीं रहने दिया। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, अफगानिस्तान संकटों से गुजर रहा है। लंबे अरसे से आए दिन वो गांव झेलता चला जा रहा है, हर पल अफगानिस्तान को मरहम लगाने का काम हिंदुस्तान करता आया है। अफगानिस्तान फिर से एक बार खड़ा हो जाए, क्योंकि हम सब बचपन से काबुलीवाला से तो बहुत परिचित है। जब काबुलीवाले की बात करते हैं तो हमें कितना अपनापन महसूस होता है। भाइयों बहनों, हमारी कोशिश रही है भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना, भारत में निरंतर विकास को आगे बढ़ाना, और अपने अड़ोस पड़ोस के देशों से दोस्ती बना करके, साथ और सहयोग लेकर के आगे चल पड़ना। सार्क देशों का समूह, उसमें एक नया प्राण पुरने का प्रयास किया है, सफलतापूर्वक प्रयास किया है, वरना पहले सार्क देशों के मंच का उपयोग तू तू मैं मैं के लिए होता था, कभी भारत को घेरने के लिए होता था। आज सार्क देशों के लोग जितने साथ चल सकते हैं उनको लेकर के इन सार्क इकाई को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना हमने देखा है। हमने घोषित किया है कि 2016 में हम अवकाश में एक सार्क सैटेलाइट छोड़ेंगे, जिसकी सेवाएं सार्क देशों को मुफ्त में देंगे, जो शिक्षा के काम आए, जो आरोग्य के लिए काम आए, जो किसानों को काम आए, जो मछुआरों को काम आए, सामान्य जन को काम आए। अभी हम बीच में सोच रहे थे कि सार देश कनेक्टिविटी के लिए गंभीरता से सोचे, और हम जानते हैं आज विकास में कनेक्टिविटी का महत्व बहुत है। आप सामुद्री मार्ग से जुड़िए, या रेल मार्ग से जुड़िए, या रोड मार्ग से जुड़िए, जुड़ना जरूरी है। यूरोप के देशों को ये लाभ मिला हुआ है, एक देश से दूसरे देश चले जाओ पता तक नहीं चलता देश कब बदल गया। क्या ये सार्क देशों के बीच नहीं हो सकता है? हमने मिलकर के सामूहिक निर्णय करने का प्रयास किया नेपाल में, लेकिन आप जानते हैं कुछ लोगों को जरा तकलीफ होती है। लेकिन कुछ लोगों की तकलीफ के लिए क्या रुकना चाहिए? हमारे काम को हमने रोक देना चाहिए? हमने अटक जाना चाहिए क्या? ठीक है, आपको मर्जी, आप वहां रह जाइए, हम तो चल पड़े भाई। और हमने क्या किया? एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है भाइयों बहनों, इसका प्रभाव आने वाले दिनों में क्या होने वाला है वो तो वक्त बताएगा। नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, इन चार देशों ने
एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके कनेक्टिविटी का एक पूरा काम तय कर लिया, एग्रीमेंट हो गया। ये आगे चल करके नॉर्थ ईस्ट से जुड़ेगा, वहां से ये म्यांमार से जुड़ेगा, वो इंडोनेशिया, थाईलैंड, पूरब हिंदुस्तान, पूरब के विश्व की तरफ भारत को कनेक्टिविटी की एक ताकत देगा, एक नया भारत का बदला हुआ संबंधों का एक नया विश्व खड़ा हो जाएगा। भाइयों बहनों, एक निश्चित समझ के साथ भारत अपनी भूमिका भी अदा करें। भारत बड़े होने के अहंकार से नहीं, हर किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना चाहता है, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है। भारत में नौजवानों को रोजगार मिले, हमारे कृषि में सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, हमारा पूर्वी हिंदुस्तान, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे उड़ीसा हो, ये हमारा जो इलाका है, ये मानना पड़ेगा कि वहां विकास की ज्यादा जरूरत है। अगर वहां पर विकास हो गया और हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर और पूरब का छोर बराबर हो गए, तो भारत बहुत तेज गति से दौड़ने लग जाएगा। और इसलिए भारत के इस पूर्वी छोर पर आर्थिक विकास का एक नया अभियान हमने चलाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का अभियान चलाया है, फर्टिलाइजर के कारखाने शुरू कर रहे हैं, गैस की पाइपलाइनें लगानी है, बिजली पहुंचानी है। आप मुझे बताइए, आजादी के इतने सालों के बाद बिजली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, क्या आज के युग में बिजली के बिना गुजारा संभव है? भाइयों बहनों, हमने सपना संजोया है, 5 साल के भीतर भीतर हम देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली मैंने भेजने के लिए देने के लिए तैयार है। ये हम करके रहेंगे। दुबई में रहने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने एक महत्वपूर्ण योजना घोषित की है, हमारे देश में लोगों को पहले बैंक अकाउंट नहीं थे, हमने हर हिंदुस्तानी का बैंक अकाउंट खोल दिया, एक काम किया, भारत में हमारे देश के नागरिकों को इंश्योरेंस नहीं है, बीमा नहीं है, उसके परिवार में कोई आपत्ति आ जाए तो पीछे वालों को देखने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने 3 योजनाएं लगाई हैं, एक प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, और इंश्योरेंस के लिए कितना पैसा देना है। एक स्कीम ऐसी है कि जिसमें 1 महीने में सिर्फ 1 रुपया देना है, 12 महीने में 12 रुपया। हमारे देश का गरीब से गरीब व्यक्ति दे सकता है कि नहीं दे सकता है? मुझे बताइए, दे सकता है कि नहीं दे सकता है? गरीब से गरीब व्यक्ति 1 रुपया महीने में दे सकता है कि नहीं दे सकता है? महीने का 12 रुपया, साल भर का 12 रुपया, साल भर का 12 रुपया देगा, उसे 2 लाख रुपयों का सुरक्षा का बीमा मिलेगा।
दूसरी योजना है जिसमें उसे और भी मददें मिलेगी, वो है एक दिन का 90 पैसा, एक रुपया भी नहीं, एक दिन का एक रुपया भी नहीं। आज तो चाय भी 1 रुपये में मिलती नहीं है। मैं जब चाय बेचता था तो 1 रुपया भी नहीं मिलता था। लेकिन आज 1 रुपये में चाय नहीं मिलती है। एक दिन का 90 पैसा साल भर के 330 रुपये, और उसे भी ये सुरक्षा कवच मिलेगा। नेचुरल मृत्यु होगा, नेचुरल, अकस्मात नहीं हुआ है, सहज, तो भी उसके परिवार को 2 लाख रुपया मिलेगा। हमने लोगों से आग्रह किया है कि रक्षाबंधन के पर्व पर, हमारे देश की परंपरा है, हम अपनी बहनों को भेंट सौगात देते हैं, कोई न कोई गिफ्ट देते हैं। मैं मेरे गल्फ कंट्रीज में रहने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आग्रह करता हूं, इस बार राखी के त्योहार पर आप अपनी बहन को ये जीवन सुरक्षा योजना दे दीजिए। अगर आप 600 रुपया बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दोगे तो हर साल उसको 12 रुपये से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कटता जाएगा, और आपकी बहन को 2 लाख रुपए का सुरक्षा का कवच मिल जाएगा। और दोनों योजना ले लेंगे, उतने पैसे जमा करा दिए तो 4 लाख रुपया उसके चरणों में आपकी तरफ से पहुंच जाए। भाइयों बहनों, हमने समाज जीवन को एक सुरक्षित बनाना है, हमारी नई पीढ़ी को शिक्षित बनाना है, देश को आधुनिक बनाना है, और आज जब विश्व का भारत की तरफ आकर्षण बढ़ा है, उस परिस्थिति का हमने लाभ उठाना है और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने मुझे जो सम्मान दिया, प्यार दिया, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा होगा। ये बदले हुए माहौल का असर हर भारतवासी के दिल पर भी होता है, और मुझे लगता है कि विश्व भर में जो हमारा भारतीय समुदाय पहुंचा है, उस भारतीय समुदाय को भी आज एक नई ऊर्जा, नई शक्ति मिली है। आज जब मैं अबू धाबी आया, दुबई आया, तो कुछ बातें मेरे ध्यान में आई हैं, उसके विषय में भी आज आपको मैं कह करके जाना चाहता हूं। एम्बेसी के संबंध में, काउंसिल के संबंध में आपकी शिकायतें रहती हैं, नहीं रहती है? नहीं रहती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रहती है तो भारत सरकार ने मदद नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है। इस मदद नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग दुनिया भर में फैले हुए हमारे भारतीय भाई बहन उसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपकी बात आगे पहुंच सकती है।
मोबाइल फोन के द्वारा भी आप उनका संपर्क कर सकते हैं। एक दूसरा काम किया है, ई माइग्रेट पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके द्वारा इस प्रकार से हमारे प्रवासी भारतीयों को कोई शिकायत हो, कोई कठिनाई हो, तो उनको इमिग्रेशन ऑफिस के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। ये ई माइग्रेट पोर्टल पर अपनी बात रख करके वो मदद ले सकता है, इसकी एक व्यवस्था की गई है, ताकि यहां दूर दूर से आपका वहां जाना बहुत तकलीफ होती है। मुझे ये भी बताया गया कि कहीं कहीं पर ई माइग्रेट पोर्टल का उपयोग करने में नागरिकों को दिक्कत होती है, इसके लिए भी मैंने हमारी एम्बेसी को आदेश किया है कि वे ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है इसका 30 दिन के भीतर भीतर सॉल्यूशन दें। आज 17 अगस्त है, 17 सितंबर तक सॉल्यूशन दें, ऐसा मैंने उनसे कहा है। और मुझे विश्वास है कि हमारे एम्बेसी के भाई ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम कहीं कहीं आता है उसका रास्ता निकालेंगे। एक और काम मैंने कहा है कि हां, भारतीय समुदाय ज्यादातर वर्कर्स हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो भागते रहे, और इसलिए हमने कहा है कि हम समय समय पर जहां हमारे ये भारतीय भाई समुदाय रहते हैं वहां जाकर के काउंसिलर कैंप लगाए, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, और वहीं जाकर के उनसे बैठे बातचीत करें और उनकी समस्या के समाधान के लिए योग्य व्यवस्था करें। मैं यहां ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये भूभाग ऐसा है कि जहां मेरे गरीब तबके के भाई बहन रहते हैं, मजदूरी करने के लिए यहां आए हूं, अमेरिका के लिए कुछ कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन अगर आपके लिए नहीं कुछ करता तो मैं बेचैन हो जाता हूं। और इसलिए हमने एक और काम किया है, इन दिनों विदेशों में कभी कभी जाते हैं तो हमारे भारतीय भाई कभी कभी संकट में जाते, अचानक बीमारी आ गई, कुछ हो गया, कभी कोई कानूनी पचड़े में फंस गए, बेचारे जेल चले गए, तो दुनिया के बाहर कौन उनको देखने वाला, परिवार तो है नहीं, और इन हमारे कभी कभी मुसीबत में कोई परिवार आ जाए तो उनकी मदद करने के लिए इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड ICWF स्थापित किया गया है। सब दूतावासों को ये वेलफेयर फंड दिया गया है, और इसलिए ऐसी मुसीबत में कोई फंस गया हो तो उनको कानून की मर्यादा में रह करके जो मदद हो सकती है, कोई अगर जेल में बंद हुआ है तो कम से कम उसको खाना पीना मिल जाए, मानवता की दृष्टि से कोई व्यवस्था हो जाए, इन सारे कामों के लिए एक फंड की हमने व्यवस्था की है। हमने ये भी निर्णय किया है कि इस फंड के द्वारा दूतावास काउंसिल में काउंसिलर सुविधाएं और अच्छी कैसे बने, जो नागरिकों की भलाई के लिए हो उनके लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। जिनको कानूनी सलाह की जरूरत पड़ेगी और अगर वो खुद इसको करने के लिए स्थिति नहीं है, कभी कभार तो 1000-2000 का दंड बेचारा नहीं भर पाता, उसके कारण जेलों में सड़ता रहता है, ऐसे लोगों को मदद करके
भारतीय नागरिक होने के नाते उनको मदद करना, इसके लिए वेलफेयर फंड का उपयोग हो ताकि वो संकटों से बाहर आ सकें, ये भी हमने व्यवस्था करने के लिए कहा है। मैं जानता हूं यहां पर स्कूलों में एडमिशन में कितनी दिक्कत होती है, आपके बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई की कितनी दिक्कत होती है। मैंने यहां के संबंधित लोगों से बात कही है और मैंने कहा है कि अधिक स्कूलें कैसे बने, इसकी चिंता मैंने की है। देखते हैं, मुझे विश्वास है कि आगे वाले दिनों में उसका भी लाभ आप लोगों को मिलेगा। मुझे विश्वास है मेरे भाइयों बहनों कि जो आपकी छोटी मोटी बातें मेरे ध्यान में आई थी, इसको पूरा करने का मैंने एक प्रयास किया है। मैं फिर एक बार आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दुनिया में कहीं पर भी मेरा भारतवासी है तो हम पासपोर्ट का रंग नहीं देखते हैं। हमारा खून का रंग काफी है, वो धरती का नाता काफी है। और इसलिए आइए मेरे साथियों, हम सब मिलकर के जहां भी हो मां भारती का माथा ऊंचा करने के लिए, गौरव से जीवन जीने के लिए एक माहौल बनाने में सगर शरीक हो। और आपका योगदान, आपकी शक्ति सामर्थ्यवान आपके परिवार को भी भला करने में काम आए। दुबई की धरती पर मैं आज, मेरे सामने लघु भारत के दर्शन कर रहा हूं। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे देशवासियों को मैं नमन करता हूं। वे लोग हैं जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा करके कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन साथ साथ भारत के गौरव को भी बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहे। आपके व्यवहार के कारण, आपके आचरण के कारण हमेशा भारत गौरव अनुभव करता रहा है। भारत में अगर अधिक बारिश भी हो जाए तो दुबई में बैठा हुआ मेरा हिंदुस्तानी छाता खोल देता है। भारत में अगर कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो दुबई में बैठा हुआ मेरा देशवासी चैन से सो नहीं सकता है।
जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, दुनिया चौंक गई थी, कुछ लोग गुस्से में आए थे और रातों रात भारत पर सैंक्शन लगा दिए गए थे, भारत को आर्थिक मुसीबतों में धकेल दिया गया था और तब वाजपेयी जी ने विश्व भर में फैले हुए भारतवासियों को आह्वान किया था देश की मदद करने के लिए। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि वाजपेयी जी के उस आह्वान पर हिंदुस्तान की तिजोरी भरने में, गल्फ कंट्रीज में जो मजदूरी का काम करते थे, उन मेरे भारतवासियों का सबसे बड़ा योगदान था। और इस अर्थ में यहां बसा हुआ हर भारतवासी एक प्रकार से हिंदुस्तान के हर कोने से जुड़ा हुआ है। पिछली बार जब देश लोकसभा के चुनाव के लिए व्यस्त था, चुनाव नतीजे आ रहे थे, हिंदुस्तान ही नहीं पूरा दुबई नाच रहा था। ये प्यार भारत माता के कल्याण के लिए मां भारती फिर से एक बार सामर्थ्यवान बने, सशक्त बने, संपन्न बने, समृद्ध बने, ये सपना संजो करके दिन रात एक करने वाले आप लोग मेरे सामने बैठे हैं। भाइयों बहनों, आज यहां तो हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए मेरे भाई बहन मेरे सामने हैं और दुबई वो सिर्फ लघु भारत ही रहा ऐसा नहीं है, अब तो दुबई एक लघु विश्व भी बन गया है। दुनिया के सभी देशों के लोग कम अधिक मात्रा में दुबई में रह रहे हैं, ठंडे से ठंडे प्रदेश के लोग भी ये 40-45 डिग्री तापमान में रहना पसंद करते हैं। क्या ताकत दिखाई होगी इस देश ने, क्या मैग्नेटिक पावर पैदा किया होगा विकास के माध्यम से कि पूरा विश्व यहां आकर्षित हो जाता है। हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए
सभी देशवासियों ने अभी दो दिन पूर्व 15 अगस्त भारत की आजादी का पर्व मनाया। मैं भी आप सबको आजादी के पावन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। यहां केरल से आया हुआ भी समुदाय बहुत बड़ी मात्रा में है। मैं केरल का उल्लेख सविशेष रूप से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज केरल का नव वर्ष है। मलयाली, सहोदरक, एंटे हृदयम, निरन्या, नव वलसरा, आशम सफल, नमस्कारम। हर हफ्ते हिंदुस्तान से 700 से भी ज्यादा फ्लाइट यहां आती है। दुनिया में किसी एक देश के साथ इतनी बड़ी मात्रा में हवाई आवागमन अगर कहीं है तो इस इलाके से। हर हफ्ते 700 से भी अधिक फ्लाइट आती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहां आने में 34 साल लग गए। कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे काम हैं जो पूर्व के लोग मेरे लिए बाकी छोड़ करके चले गए। और इसलिए बहुत सारे बाकी रहे अच्छे काम करने का मुझे भाग्य मिला। और उस अच्छे कामों में से एक महत्वपूर्ण अच्छा काम मेरा अबू धाबी आना, मेरा दुबई आना। जिस प्रकार से ये मेरी पहली मुलाकात है, इसके पहले कभी मैं इस धरती पर, इस भूभाग पर नहीं आया, और 34 साल के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कोई आए, तो किसी को भी नाराजगी व्यक्त करने का हक बनता है। हक बनता है कि नहीं बनता है?
बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन अबू धाबी में हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने और दुबई में हिज हाइनेस अल मक्तूम जी ने नाराजगी नहीं दिखाई, इतने प्यार की वर्षा की, इतने प्यार की वर्षा की। मैं उनके इस प्यार को कभी भूल नहीं पाऊंगा। जो स्वागत किया, जो सम्मान किया हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस अपने सभी पांचों भाइयों के साथ, एयरपोर्ट पर लेने के लिए आए, देशवासियों, ये प्यार, ये सम्मान किसी व्यक्ति को नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। भारत की बदली हुई तस्वीर का सम्मान है। भारत जिस प्रकार से दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, उस बदले हुए हालात का सम्मान है। मैं हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस का, अमीरात का, दुबई के रूलर्स का हृदयपूर्वक बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक तरफ संप्रदाय के नाम पर आतंकवाद के खेल खेले जाते हुए निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता, पूर्णतया चिंता का माहौल हो, ऐसे समय अबू धाबी के हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का निर्णय, जो लोग अबू धाबी से परिचित हैं उन्हें पता है ये निर्णय कितना बड़ा है, ये सौगात कितनी बड़ी है। आप मुझे बताइए, सभी देशवासियों ने उनका विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं आज सबसे आग्रह कर
तालियों की गूंज से क्राउन प्रिंस का अभिनंदन कीजिए। उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, दो दिन की मेरी यात्रा में जिस प्रकार का विश्वास का माहौल बना, आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार आपकी भाषा क्या है, आप कितने आर्टिकुलेट हैं, आप डिप्लोमेटिक रिलेशन में कितने बढ़िया ढंग से मेलजोल करते हैं, उससे भी ज्यादा महत्व होता है एक दूसरे पर भरोसे का। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये भरोसा, ये विश्वास एक बहुत बड़ी पूंजी होता है। और आज मैं चंद घंटों की मेरी यहां की मुलाकात के बाद कह सकता हूं कि भारत अबुधाबी, दुबई, अमीरात जो विश्वास का सेतु बना है वो अभूतपूर्व है और आने वाली पीढ़ियों तक काम आए ऐसा फाउंडेशन तैयार हुआ। आज मुझे खुशी हुई कि जब आज भारत और अमीरात के बीच जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, आपको भी खुशी होगी जान करके क्राउन प्रिंस ने हिंदुस्तान में 4.5 लाख करोड़ रुपया का निवेश करने का संकल्प दिया। कितना 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 भाइयों बहनों, अगर आप पर किसी का भरोसा ना हो तो कोई 10 रुपया भी आप पर लगाने के लिए तैयार होगा क्या? ये भारत की साख बनी है। आज भारत का बदला हुआ रूप विश्व के सामने अपनी स्वीकृति बनाता आगे चल रहा है। आज
अमीरात और भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ दो टूक शब्दों में बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। आतंकवाद के खिलाफ एकता का स्वर आज इस धरती से उठा है, मैं इसे बहुत अहम मानता हूं। और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे, अकल मन को इशारा का भी आतंकवाद में लिप्त लोगों को सजा होनी चाहिए, ये स्पष्ट शब्दों में संकेत यहां से निकला है। मैं आज यहां के शासकों का इसलिए भी आभारी हूं कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जब अपने 70 साल मनाने जा रहा है तो यहां से कहा गया है और भारत की एक बात का खुला समर्थन किया गया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। मैं आभारी हूं उनका। इससे भी आगे एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात पर आज भारत की लंबे अरसे से एक पोजीशन है, उसका आज हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने खुले आम समर्थन घोषित किया। भाइयों बहनों, कई वर्षों से यूनाइटेड नेशंस में एक रिजोल्यूशन लटका पड़ा है, आपको भी बड़ी हैरानी होगी, और दो पांच साल से नहीं, कई वर्षों से लटका पड़ा है। क्या यूनाइटेड नेशन, जो कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से पीड़ित मानव समुदाय को मरहम लगाने के लिए आगे मानव जात को ऐसे संकट झेलने की नौबत न आए, इसके लिए प्रिकॉशन लेने के लिए व्यवस्थाएं विकसित करने के लिए 70 साल पहले यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ। लेकिन वह यूनाइटेड नेशंस आतंकवाद की अभी तक परिभाषा नहीं कर पाया है। आतंकवाद किसको कहे, आतंकवादी किसको कहे, आतंकवाद को समर्थन करने वाले कौन माने जाए, किस देश को आतंकवाद का समर्थक माना जाए, किस देश को आतंकवाद का समर्थक न माना जाए, और इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इसका निर्णय करने का प्रस्ताव लंबे अरसे से यूनाइटेड नेशन में लंबित पड़ा हुआ है।
भारत ने एक पोजीशन ली है सालों से कि ये प्रस्ताव पर चर्चा हो जाए, निर्णय होना चाहिए, लेकिन टाला जा रहा था। आज मुझे खुशी इस बात की है कि ही हाइनेस क्राउन प्रिंस ने भारत की स्थिति का समर्थन किया है, भारत की पोजीशन का समर्थन किया है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संबंध में आपने स्पष्ट संकेत दे दिए। न सिर्फ 4.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश की बात नहीं है, ये एक निश्चित दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का एक प्रकार का संकेत इस जॉइंट स्टेटमेंट में। मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। भाइयों बहनों, आप तो सालों से बाहर है, आज भारत का नाम सुनते ही आपके सामने खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में चमक आती है कि नहीं आती है? आपका माथा गर्व से ऊंचा होता है कि नहीं होता है? आपका सीना तन जाता है कि नहीं तन जाता है? एक गर्व महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? भाइयों बहनों, आज दुनिया का हिंदुस्तान की तरफ देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका है और उसका एक कारण क्या कारण है? क्या कारण है ये बदलाव आया है? मोदी के कारण नहीं, ये जो बदलाव आया है 125 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति के कारण। करोड़ देशवासियों ने 2014 मई महीने में 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी। आज दुनिया का कोई भी महापुरुष, दुनिया का कोई भी राजनेता मोदी से जब हाथ मिलाता है ना, तब उसे मोदी नहीं दिखता है, उसे 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं। दुनिया की तेज गति से बढ़ रही इकोनॉमी दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, पिछले दिनों IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, मूडी हो, विश्व की जितनी भी आर्थिक पैमाने पर रेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, सब किसी ने एक स्वर से कहा है कि आज दुनिया में बड़े देशों में सबसे तेज गति से अगर आर्थिक सुधार हो रहा है, तेज गति से ग्रोथ हो रहा है, तो उस देश का नाम है, उस देश का नाम है। मुझे बताइए, सीना तन जाएगा नहीं तन जाएगा? माथा ऊंचा होगा कि नहीं होगा? एक साल के भीतर भीतर ये बदलाव आया है। भाइयों बहनों,
हमने मेक इन इंडिया कुछ महीने पहले इस अभियान का प्रारंभ किया। दुनिया को मैं कह रहा हूं मेक इन इंडिया। आइए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो संभावनाओं से भरा हुआ है। अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। ये एक ऐसा भाग्यशाली देश है जिसके पास 65% जनसंख्या, 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है। भारत एक नौजवान देश है। आज जहां जवानी लबालब भरी पड़ी है, और विश्व वहां आए हमारे युवकों की शक्ति जुटाए, उत्पादन करे, दुनिया के बाजार में जाकर के बेचे। और आज ये कुछ ही महीनों का मामला है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई में 48% वृद्धि हुई है। 48%। भाइयों बहनों, विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माध्यम हो, देश की युवा शक्ति में स्किल डेवलपमेंट का अभियान हो, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने के लिए दिन रात पुरुषार्थ चलता हो, तो विश्व का आना बहुत स्वाभाविक है मेरे भाइयों बहनों, बहुत स्वाभाविक। भाइयों बहनों, आज दुनिया जिस आतंकवाद के नाम सुनते ही कांप उठती है, एक नफरत पैदा होती है। मैं दुनिया को कहता हूं, हम हिंदुस्तान के लोग 40-40 साल से ये आतंकवाद के शिकार हुए हैं। हमारे निर्दोष लोग आतंकवादियों की गोलियों से भून दिए गए हैं, मौत के घाट उतार दिए गए हैं। और जब कभी मैं विश्व के लोगों के साथ, आज से 25-30 साल पहले कभी मुझे बात करने का अवसर मिलता था, तो वे आतंकवाद समझने की उनकी क्षमता ही नहीं थी। कभी मैं आतंकवाद की बात करता था तो वो मुझे कहते थे कि ये तो आपका पुलिसिंग का प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। अब उनको समझ आ गया है कि आतंकवाद का कितना भयंकर रूप होता है। आतंकवाद को कोई सीमाएं नहीं होती हैं, वो पता नहीं कब किस सीमा पे जाके आ धमकेगा। आज अभी मैं यहां पहुंच रहा था, मैंने सुना बैंकों के अंदर आज एक बम धमाका हुआ, निर्दोष लोगों को मार दिया गया। भारत तो लगातार इन हरकतों को झेलता रहा, और विश्व समुदाय जब तक आतंकवाद की मानसिकता वाले देशों को, आतंकवाद को उसको समर्थन करने वालों को एक और
और मानवता में विश्वास करने वाले दूसरी ओर, मानवतावाद में विश्वास करने वाले दुनिया के देश एक होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का वक्त आ चुका है। गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो, निर्णय करो। भारत को तो आज भी आए दिन इन नापाक हरकतों का शिकार होना पड़ता है। हम समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में लगातार कोशिश कर रहे हैं। यहां बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत की आजादी के पहले से नागालैंड में अतिवाद, इंसर्जेंसी, इस समस्या से नागालैंड जूझता रहा और उसके कारण भारत का पूरा ये पूर्वी हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट, आए दिन हिंसा का शिकार होता था। और धीरे धीरे वो बीमारी इतनी फैलती गई कि अन्य राज्यों में भी अलग अलग नाम से अलग अलग अतिवादी, आतंकवादी गुट बनते चले गए। आजादी के भी पहले से चल रहा था। आज मैं बहुत संतोष के साथ मेरे देशवासियों आपको कहना चाहता हूं कि अभी एक महीने पहले नागालैंड के इन गुटों के साथ, जो कभी हिंसा में विश्वास करते थे, जो शस्त्रों को लेकर के गतिविधि चलाते थे, उनसे जो बातचीत चल रही थी वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ी, निर्णय हुआ, मुख्य धारा में आने का निर्णय हुआ। 60-70 साल के बाद ये संभव हुआ है। मैं नागालैंड की ये घटना का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि हिंसा के राह पर चले हुए भारत के नौजवानों को और विश्व के नौजवानों को मैं एक उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं, समस्या कितनी ही गंभीर क्यों न हो, आखिर तो बातचीत से ही रास्ता निकलता है। कोई 10 साल लड़ाई लड़ने के बाद बात करे, कोई 20 साल लड़ाई लड़ने के बाद करे, कोई 40 साल लड़ाई लड़ने के बाद बात करे, लेकिन आखिर में तो बात ही होती है और टेबल पर ही फैसले होते हैं। और इसलिए विश्व भर से इस गलत रास्ते पर चले चल पड़े लोग बम बंदूक के भरोसे अपने सपनों को साकार करने का रास्ते पर चले हुए लोग, ये रास्ता कभी आपका भला नहीं करेगा, ये रास्ता कभी किसी और का भला नहीं करेगा, ये रास्ता कभी मानवता का भला नहीं करेगा, ये रास्ता इतिहास को बेदाग नहीं रहने देगा, ये पूरे इतिहास को कलंकित कर देगा, ये पूरे इतिहास को दागदार बना देगा। और इसलिए हिंसा का मार्ग छोड़ करके
मुख्य धारा में जाना ये आज समय की मांग है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बांग्लादेश ১৯৪৭ में भारत का विभाजन हुआ, 1947, तब से पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान थे। उस समय पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बना, भारत और उनके बीच सीमा का विवाद चल रहा था, तनाव का कारण बना हुआ था, आशंकाओं का कारण बना हुआ था, घुसपैठ के लिए एक सुविधाजनक स्थिति बनी हुई थी। आप सबके आशीर्वाद से हिंदुस्तान ने बीड़ा उठाया, सबने मिलकर के बीड़ा उठाया कि समस्या का समाधान करना है, बातचीत से करना है। मैं पिछले सितंबर में बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख हसीना जी से मिला था और मैंने उनको वादा किया था कि मुझ पे भरोसा कीजिए और मुझे थोड़ा समय दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास भरोसा रखने के सिवाय है भी क्या। लेकिन आज मैं मेरे प्यारे देशवासियों आपके सामने सर झुका करके कहना चाहता हूं कि आजादी से लटका हुआ ये सवाल 1 अगस्त को समाप्त कर दिया गया। सीमा निर्धारित हो गई, जिनको बांग्लादेश जाना था बांग्लादेश चले गए, जिनको भारत आना था भारत आ गए। हम लोग तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे। भारत के नागरिक के नाते गौरवगान करने लगे थे, लेकिन ये हमारे भाई बहन अभी 1 अगस्त 2015 को भारत की भूमि पर आजादी का श्वास लेने का उन्हें सौभाग्य मिला। भारत की संसद में सर्वसम्मति से सभी राजनीतिक दलों ने साथ दिया और सर्वसम्मति से फैसला हुआ, बातचीत के माध्यम से फैसला हुआ। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है मेरे भाइयों बहनों। और मैं औरों को भी हमेशा कहता हूं, अड़ोस पड़ोस के देशों को भी कहता रहता हूं, जैसे हिंसा के रास्ते पर गए हुए लोगों को भी कभी न कभार बातचीत के रास्ते पर आना पड़ता है, वैसे अड़ोस पड़ोस में भी समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आज भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, मानवता के अधिष्ठान पर कर रहा है। जब नेपाल में भूकंप आया, चंद घंटों में, ऐसा नहीं कि भाई जरा पूछो तो क्या हुआ है, जरा जानकारी लो क्या हुआ है, ऐसा करो अफसरों का डेलीगेशन भेजो देखो जरा क्या मुसीबत आई है, ऐसा करो भाई कोई अपने रिश्तेदार वहां तो पूछो भाई हुआ क्या है, ऐसा इंतजार नहीं किया। आज दिल्ली में ऐसी सरकार है जो हर पल नजर आती है, हर जगह पे नजर आती है,
और चंद घंटों में भारत से जो भी हो सकता था ये मानवता का काम था, नेपाल के चरणों में जाकर के हमारे लोग बैठ गए और उनकी सेवा में लग गए और आज भी सेवा चालू है। नेपाल हमारा पड़ोसी है, वो दुखी हो और हम सुखी हो ये कभी संभव नहीं होता। उसके सुख में भी हमारा सुख समा हुआ है। श्रीलंका, आपको हैरानी होगी, जब मैं नेपाल गया प्रधानमंत्री बनने के बाद, नेपाल जाना है तो 70 मिनट नहीं लगती है, दिल्ली से नेपाल जाना हो 70 मिनट नहीं लगती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को नेपाल पहुंचने में 17 साल लग गए। फिर से हम गए, संबंधों को फिर से जोड़ा, अपनापन। आज नेपाल भारत पे भरोसा कर रहा है, भारत नेपाल का सुख दुख का साथी बना है। श्रीलंका, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उसके बाद कोई प्रधानमंत्री की स्टैंड अलोन विजिट नहीं हुई थी, कितने साल बीते। हमारा पड़ोसी है, आए दिन हमारे तमिलनाडु केरल के मछुआरे और उनके मछुआरे आपस में भिड़ जाते, लेकिन उधर कोई जाता नहीं था, हम गए। इतना ही नहीं, जाफना जहां 20-20 साल तक बम और बंदूक का ही कारोबार चलता था, उस जाफना में जाकर के उन दुखियारों के आंसू पोंछने का काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। एक प्रधानमंत्री के रूप में जाफना जाने का सौभाग्य मुझे मिला। हमारे पड़ोस में मालदीव, आइलैंड पर बसा हुआ देश, टूरिज्म की दृष्टि से काफी आगे बढ़ा है। अचानक एक दिन उनके यहां पानी के सारे संयंत्र खत्म हो खराब हो गए, पूरे देश के पास पीने का पानी नहीं था। आप कल्पना कर सकते हो, कोई देश के पास पीने का पानी न हो कितना बड़ा गहरा संकट आया। मालदीव से हमें मैसेज आया कि ऐसी मुसीबत आई है, एक पल का इंतजार नहीं किया भाइयों बहनों, हवाई जहाज से पीने का पानी पहुंचाया मालदीव में। दूसरे दिन स्टीमर से पानी पहुंचाना शुरू कर दिया और जब तक उनके वो मशीन चालू नहीं हुए, पानी की व्यवस्था दोबारा पुनर्जीवित नहीं हुई, हमने मालदीव को प्यासा नहीं रहने दिया। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, अफगानिस्तान संकटों से गुजर रहा है, लंबे अरसे से आए दिन वो गांव झेलता चला जा रहा है, हर पल अफगानिस्तान को मरहम लगाने का काम हिंदुस्तान करता आया है। अफगानिस्तान फिर से एक बार खड़ा हो जाए, क्योंकि हम सब बचपन से काबुलीवाला से तो बहुत परिचित है। जब काबुलीवाले की बात करते हैं तो हमें कितना अपनापन महसूस होता है। भाइयों बहनों,
हमारी कोशिश रही है भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना, भारत में निरंतर विकास को आगे बढ़ाना और अपने अड़ोस पड़ोस के देशों से दोस्ती बना करके साथ और सहयोग लेकर के आगे चल पड़ना। सार्क देशों का समूह, उसमें एक नया प्राण पुरने का प्रयास किया है, सफलतापूर्वक प्रयास किया है, वरना पहले सार्क देशों के मंच का उपयोग तू-तू मैं-मैं के लिए होता था, कभी भारत को घेरने के लिए होता था। आज सार्क देशों के लोग जितने साथ चल सकते हैं उनको लेकर के इन सार्क इकाई को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना हमने देखा है। हमने घोषित किया है कि 2016 में हम अवकाश में एक सार्क सैटेलाइट छोड़ेंगे जिसकी सेवाएं सार्क देशों को मुफ्त में देंगे, जो शिक्षा के काम आए, जो आरोग्य के लिए काम आए, जो किसानों को काम आए, जो मछुआरों को काम आए, सामान्य जन को काम आए। अभी हम बीच में सोच रहे थे कि सार्क देश कनेक्टिविटी के लिए गंभीरता से सोचे, और हम जानते हैं आज विकास में कनेक्टिविटी का महत्व बहुत है। आप समुद्री मार्ग से जुड़िए या रेल मार्ग से जुड़िए या रोड मार्ग से जुड़िए, जुड़ना जरूरी है। यूरोप के देशों को ये लाभ मिला हुआ है, एक देश से दूसरे देश चले जाओ पता तक नहीं चलता देश कब बदल गया। क्या ये सार्क देशों के बीच नहीं हो सकता है? हमने मिलकर के सामूहिक निर्णय करने का प्रयास किया नेपाल में, लेकिन आप जानते हैं कुछ लोगों को जरा तकलीफ होती है। लेकिन कुछ लोगों की तकलीफ के लिए क्या रुकना चाहिए? हमारे काम को हमने रोक देना चाहिए? हमने अटक जाना चाहिए क्या? ठीक है, आपको मर्जी, आप वहां रह जाइए, हम तो चल पड़े भाई। और हमने क्या किया? एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है भाइयों बहनों, इसका प्रभाव आने वाले दिनों में क्या होने वाला है वो तो वक्त बताएगा। नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, इन चार देशों ने एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके कनेक्टिविटी का एक पूरा काम तय कर लिया, एग्रीमेंट हो गया। ये आगे चल करके नॉर्थ ईस्ट से जुड़ेगा, वहां से ये म्यांमार से जुड़ेगा, वो इंडोनेशिया, थाईलैंड, पूरब हिंदुस्तान, पूरब के विश्व की तरफ भारत को कनेक्टिविटी की एक ताकत देगा, एक नया भारत का बदला हुआ संबंधों का एक नया विश्व खड़ा हो जाएगा। भाइयों बहनों, एक निश्चित समझ के साथ भारत अपनी भूमिका भी अदा करें। भारत बड़े होने के अहंकार से नहीं, हर किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना चाहता है, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है। भारत में नौजवानों को रोजगार मिले, हमारे कृषि में सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, हमारा पूर्वी हिंदुस्तान, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे उड़ीसा हो, ये हमारा जो इलाका है, ये मानना पड़ेगा कि वहां विकास की ज्यादा जरूरत है।
अगर वहां पर विकास हो गया और हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर और पूरब का छोर बराबर हो गए तो भारत बहुत तेज गति से दौड़ने लग जाएगा। और इसलिए भारत के इस पूर्वी छोर पर आर्थिक विकास का एक नया अभियान हमने चलाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का अभियान चलाया है, फर्टिलाइजर के कारखाने शुरू कर रहे हैं, गैस की पाइपलाइनें लगानी है, बिजली पहुंचानी है। आप मुझे बताइए, आजादी के इतने सालों के बाद बिजली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, क्या आज के युग में बिजली के बिना गुजारा संभव है? भाइयों बहनों, हमने सपना संजोया है, 5 साल के भीतर भीतर हम देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली मैंने भेजने के लिए देने के लिए तैयार है। ये हम करके रहेंगे। दुबई में रहने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने एक महत्वपूर्ण योजना घोषित की है, हमारे देश में लोगों को पहले बैंक अकाउंट नहीं थे, हमने हर हिंदुस्तानी का बैंक अकाउंट खोल दिया, एक काम किया, भारत में हमारे देश के नागरिकों को इंश्योरेंस नहीं है, बीमा नहीं है, उसके परिवार में कोई आपत्ति आ जाए तो पीछे वालों को देखने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने 3 योजनाएं लगाई हैं, एक प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, और इंश्योरेंस के लिए कितना पैसा देना है। एक स्कीम ऐसी है कि जिसमें 1 महीने में सिर्फ 1 रुपया देना है, 12 महीने में 12 रुपया। हमारे देश का गरीब से गरीब व्यक्ति दे सकता है कि नहीं दे सकता है? मुझे बताइए, दे सकता है कि नहीं दे सकता है? गरीब से गरीब व्यक्ति 1 रुपया महीने में दे सकता है कि नहीं दे सकता है? महीने का 12 रुपया, साल भर का 12 रुपया, साल भर का 12 रुपया देगा, उसे 2 लाख रुपयों का सुरक्षा का बीमा मिलेगा। दूसरी योजना है जिसमें उसे और भी मददें मिलेगी, वो है 1 दिन का 90 पैसा, 1 रुपया भी नहीं, 1 दिन का 1 रुपया भी नहीं। आज तो चाय भी 1 रुपये में मिलती नहीं है, मैं जब चाय बेचता था तो 1 रुपया भी नहीं मिलता था। लेकिन आज 1 रुपये में चाय नहीं मिलती है, 1 दिन का 90 पैसा, साल भर के 330 रुपये, और उसे भी ये सुरक्षा कवच मिलेगा। नेचुरल मृत्यु होगा, नेचुरल, अकस्मात नहीं हुआ है, सहज, तो भी उसके परिवार को 2 लाख रुपया मिलेगा। हमने लोगों से आग्रह किया है कि रक्षाबंधन के पर्व पर, हमारे देश की परंपरा है, हम अपनी बहनों को भेंट सौगात देते हैं, कोई न कोई गिफ्ट देते हैं। मैं मेरे गल्फ कंट्रीज में रहने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आग्रह करता हूं, इस बार राखी के त्यौहार पर आप अपनी बहन को ये जीवन सुरक्षा योजना दे दीजिए। अगर आप
600 रुपया बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दोगे तो हर साल उसको 12 रुपये से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कटता जाएगा और आपकी बहन को 2 लाख रुपए का सुरक्षा का कवच मिल जाएगा। और दोनों योजना ले लेंगे, उतने पैसे जमा करा दिए तो 4 लाख रुपया उसके चरणों में आपकी तरफ से पहुंच जाएगा। भाइयों बहनों, हमने समाज जीवन को एक सुरक्षित बनाना है, हमारी नई पीढ़ी को शिक्षित बनाना है, देश को आधुनिक बनाना है और आज जो विश्व का भारत की तरफ आकर्षण बढ़ा है उस परिस्थिति का हमने लाभ उठाना है और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने मुझे जो सम्मान दिया, प्यार दिया, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा हो, ये बदले हुए माहौल का असर हर भारतवासी के दिल पर भी होता है और मुझे लगता है कि विश्व भर में जो हमारा भारतीय समुदाय पहुंचा है उस भारतीय समुदाय को भी आज एक नई ऊर्जा, नई शक्ति मिली है। आज जब मैं अबू धाबी आया, दुबई आया तो कुछ बातें मेरे ध्यान में आई हैं, उसके विषय में भी आज आपको मैं कह करके जाना चाहता हूं। एम्बेसी के संबंध में, काउंसिल के संबंध में आपकी शिकायतें रहती हैं, नहीं रहती है? नहीं रहती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रहती है तो भारत सरकार ने मदद नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है। इस मदद नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग दुनिया भर में फैले हुए हमारे भारतीय भाई बहन उसका उपयोग कर सकते हैं ताकि आपकी बात आगे पहुंच सकती है। मोबाइल फोन के द्वारा भी आप उनका संपर्क कर सकते हैं। एक दूसरा काम किया है, ई माइग्रेट पोर्टल शुरू किया गया है जिसके द्वारा इस प्रकार से हमारे प्रवासी भारतीयों को कोई शिकायत हो, कोई कठिनाई हो तो उनको इमिग्रेशन ऑफिस के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, ये ई माइग्रेट पोर्टल पर अपनी बात रख करके वो मदद ले सकता है। इसकी एक व्यवस्था की गई है ताकि यहां दूर दूर से आपका वहां जाना बहुत तकलीफ होती है। मुझे ये भी बताया गया कि कहीं कहीं पर ई माइग्रेट पोर्टल का उपयोग करने में नागरिकों को दिक्कत होती है, इसके लिए भी मैंने हमारी एम्बेसी को आदेश किया है कि वे ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है इसका 30 दिन के भीतर भीतर सॉल्यूशन दें। आज 17 अगस्त है, 17 सितंबर तक सॉल्यूशन दे, ऐसा मैंने उनसे कहा है और मुझे विश्वास है कि हमारे एम्बेसी के भाई ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम कहीं कहीं आता है उसका रास्ता निकालेंगे। एक और काम मैंने कहा है
कि हां भारतीय समुदाय ज्यादातर वर्कर्स हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो भागते रहे, और इसलिए हमने कहा है कि हम समय समय पर जहां हमारे ये भारतीय भाई समुदाय रहते हैं वहां जाकर के काउंसिलर कैंप लगाए, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, और वहीं जाकर के उनसे बैठे बातचीत करें और उनकी समस्या के समाधान के लिए योग्य व्यवस्था करें। मैं यहां ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये भूभाग ऐसा है कि जहां मेरे गरीब तबके के भाई बहन रहते हैं, मजदूरी करने के लिए यहां आए, अमेरिका के लिए कुछ कर पाऊं या न कर पाऊं, लेकिन अगर आपके लिए नहीं कुछ करता तो मैं बेचैन हो जाता। और इसलिए हमने एक और काम किया है, इन दिनों विदेशों में कभी कभी जाते हैं तो हमारे भारतीय भाई कभी कभी संकट में जाते, अचानक बीमारी आ गई, कुछ हो गया, कभी कोई कानूनी पचड़े में फंस गए, बेचारे जेल चले गए, तो दुनिया के बाहर कौन उनको देखने वाला, परिवार तो है नहीं, और इन हमारे कभी कभी मुसीबत में कोई परिवार आ जाए तो उनकी मदद करने के लिए इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड ICWF स्थापित किया गया है। सब दूतावासों को ये वेलफेयर फंड दिया गया है, और इसलिए ऐसी मुसीबत में कोई फंस गया हो तो उनको कानून की मर्यादा में रह करके जो मदद हो सकती है, कोई अगर जेल में बंद हुआ है तो कम से कम उसको खाना पीना मिल जाए, मानवता की दृष्टि से कोई व्यवस्था हो जाए, इन सारे कामों के लिए एक फंड की हमने व्यवस्था की है। हमने ये भी निर्णय किया है इस फंड के द्वारा दूतावास काउंसिल में काउंसिलर सुविधाएं और अच्छी कैसे बने जो नागरिकों की भलाई के लिए हो, उनके लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। जिनको कानूनी सलाह की जरूरत पड़ेगी और अगर वो खुद इसको करने के लिए स्थिति नहीं है, कभी कभार तो 1000-2000 का दंड बेचारा नहीं भर पाता, उसके कारण जेलों में सड़ता रहता है, ऐसे लोगों को मदद करके, भारतीय नागरिक होने के नाते उनको मदद करना, इसके लिए वेलफेयर फंड का उपयोग हो ताकि वो संकटों से बाहर आ सके, ये भी हमने व्यवस्था करने के लिए कहा है। मैं जानता हूं यहां पर स्कूलों में एडमिशन में कितनी दिक्कत होती है, आपके बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई की कितनी दिक्कत होती है, मैंने यहां के संबंधित लोगों से बात कही है और मैंने कहा है कि अधिक स्कूलें कैसे बने, इसकी चिंता मैंने की है, देखते हैं, मुझे विश्वास है कि आगे वाले दिनों में उसका भी लाभ आप लोगों को मिलेगा। मुझे विश्वास है मेरे भाइयों बहनों कि जो आपकी छोटी मोटी बातें मेरे ध्यान में आई थी, इसको पूरा करने का मैंने एक प्रयास किया है।